बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम कुकिंग विद मिंसा। रमज़ान हम बनाने लगे हैं एग के साथ। ये मैंने एक एग के साथ 5 एग तैयार किए हैं, तो आप अपने बच्चों के लिए इस तरह से एग तैयार करके उनको देंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो शुरू करते हैं हम आज की एग फ्राई की रेसिपी। सबसे पहले आप एक एग ले लीजिए और उसको फ्रीज़र में रख दीजिए 5 से 6 घंटे के लिए, ताकि वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। अगर आपको अच्छा होकर चिपक जाएगा तो आप उसके नीचे कोई प्लेट वगैरह रख दीजिए। तो एग को मैंने निकाल लिया है और पानी में डिप किया है और इस तरह से इसको मैंने छील लिया। तो देखिए कितने अच्छा एग सेट हो गया, इसमें आइस क्रिस्टल बन गए हैं। अब मैंने इसके पीस कट कर लिए हैं। तो ये देखिए जी, एक एग के साथ हमने 4 से 5 एग रेडी कर लिए हैं। अब हम कोई सा भी पैन ले लेंगे और इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल का शामिल कीजिए। और अब हम इसमें जो हमने एग के पीस किए हुए हैं उनको रख देंगे। ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे क्योंकि इनमें बर्फ़ जमी हुई है। तो सारे पीसेस एग के मैंने इसमें रख दिए हैं। अब इसको हम लो फ्लेम पे पका लेंगे और इस पर थोड़ा सा नमक छिड़क दीजिए, काली मिर्च और ओरिगैनो वगैरह अगर आपने डालनी है तो डाल दीजिए। तो ये देखिए जी, हमारे एग रेडी हो रहे हैं। एग रेडी हो गए हैं, अब हम इनको निकाल लेते हैं। तो आप भी इस तरह से एग बना के अपने बच्चों को दें तो उनको अच्छा लगेगा। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एग फ्राई हमारे रेडी हो गए हैं। एक एग के साथ हमने 5 एग रेडी कर लिए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा। और आप अभी तक कुकिंग विद मिंसा पर न्यू हैं तो पहले कुकिंग विद मिंसा को सब्सक्राइब कर लें बेल के साथ। और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।